चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भाई जितने भी अगर तुम पिछले 5 साल तक देख लो भर्ती के मामले में, जितनी भी अभी यूपी में निकली, फिलहाल जो भर्ती भी निकली सारी की सारी में पेपर लीक, कहीं ये लीक, देखो रोजगार के मामले में बिल्कुल सरकार जीरो रही। हाँ कुछ इंफ्रा जरूर इंप्रूव हुआ, सड़क वगैरह कुछ इंफ्रा जरूर इंप्रूव हुआ, और बाकी तो हमें पता ही है सरकार जो हिंदू मुस्लिम में चल रही है। तो दो चार काम बताओ। मेरे तीन बच्चे है जी, क्या काम? एक विकलांग लड़की है जी, मेरा अब लोग राशन कार्ड भी नहीं बना, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं हमें, पर मोदी सरकार जो है सबसे अच्छी है। अच्छा चलो कोई बात, बस बढ़िया बढ़िया सबसे भाई, अच्छी बता रहे भाई, सिनेमा अच्छी है ना बता दे। मुसलमान भाई सारे मकान ले ले, सब कुछ क्या सुविधा मिल लेता, मैं बताओ। चल बता भाई, मेरी विकलांग की पेंशन नहीं आ रही, बताया सरकार में बेकार की बात कर रहा है। पिछले एक साल से मेरी पेंशन नहीं आई, तू कह रहा है मोदी सरकार इतनी बढ़िया है? सरकार तो बढ़िया, लेकिन कैंडिडेट बढ़िया लगे बिल्कुल भी, कैंडिडेट बढ़िया नहीं है बिल्कुल भी। कौन सा कैंडिडेट? संजीव बालियान भाजपा से, कहता उस पहले तो कहता रेल लाइन कटवा दूंगा, रेल लाइन नहीं कटवाई हमको, कहता नहीं कहता भाई, यहाँ यहाँ धर्मशाला में बैठ के। अच्छा। फिर अगली बार कहता भाई का फे करवा दो, तहसील बनवा दूंगा सिसोली को, कहाँ बन गई तहसील। सीसीए में आपका स्वागत है, हम उत्तर प्रदेश के सिसोली गांव में है, किसानों की राजधानी कहे जाने वाले गांव में हम लोग आज यहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे आसपास लोग हैं, यहाँ जानेंगे कि इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर लोगों की क्या राय है, क्या उनका मत बन रहा है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम? अंकुर। अंकुर भाई यहीं के गांव के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा चलो, चुनाव की बात कर रहे थे हम लोग ऐसे ही, क्या लग रहा मुजफ्फरनगर सीट है ये, क्या समझ में आवे कि सब जिता रहे इस बार? बीजेपी को जिता रहे हम, बीजेपी को। अच्छा क्या लगा बीजेपी में ऐसा खास? अच्छा काम हो रहा है बहुत, कई गंदराज भी है गुंडराज भी है, नहीं अच्छा लग रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। हाँ। अच्छा चलो, तो लेकिन बाकी लोग तो कह रहे हैं कि बढ़िया काम नहीं कर रहे, बहुत सारे बढ़िया काम है, सब बढ़िया काम कर रही है। तो आप बीजेपी को कह रहे हैं? हाँ। चलिए ठीक है, आ जाओ। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी, क्या नाम जी भाई अपना? मेरा नाम है रणजीत गोस्वामी जी। गोस्वामी साहब चुनाव की बात कर रहे थे ऐसे ही, चुनाव की बात ही संजीव बालियान का है भाई जोर यहाँ तो। अच्छा। हाँ बीजेपी का, बीजेपी का हाँ पक्का, और फिर किंगा को चौधरी साहब की नज़र रहेगी, नुंगा को ही हो जाएगा काम, इन्हों पता नहीं किंगा को नजर करेंगे, अब लोग नजर नहीं करी अब तक भाई, अब लोग कुछ खोल के कहा है उन्होंने, पर जिंगा को कह देंगे, जैसे किंगा को कह देंगे जी भी काम हो जाएगा। पक्ष विपक्ष दोनों आ रहे हैं, नरेंद्र मलिक भी आए, संजीव भी आए, तो क्या लग रहा? देखो आशीर्वाद तो सभी को मिल रहा, देखो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनके यहाँ तो सभी का आना जाना लग रहा है, पक्ष भी विपक्ष भी दोनों उनके यहाँ तो सभा में उनके द्वारा, और वे किसी को भी मतलब एक नज़र तक देखते हैं, उन्हें बड़े सम्मानित आदमी है, सोच विचार करके ही कोई फैसला ले, और जो भी फैसला वे लेंगे सब बढ़िया ही होगा। अभी इशारा नहीं मिला गाँव को? ये भी गाँव को कुछ इशारा ऐसा मिला नहीं, मिल जाएगा, एक तो टाइम है, एक महीना। आपने कहा बीजेपी को जिता रहे हैं, तो संजीव बालियान जी है सांसद उम्मीदवार इस बार, तो उनका काम कैसा रहा? बढ़िया एकदम टॉप, हमें क्या चाह रहा, कानून व्यवस्था बढ़िया है, ये आदमी एक रुपया कमा के लावे वो अपने घरों लेकर जा, वो और क्या चाह, करना खाना तो अपने आप ही है, पर बीजेपी सरकार में संजीव बालियान का कार्यकाल यहाँ बहुत बढ़िया है, बढ़िया आदमी, जन सुनवाई करे अपनी, सबकी सुने। सरकार कैसी लगी पिछले 10 साल? बढ़िया एकदम, मजा आ रहा पूरा। लेकिन आपके टिकेट साहब तो नाराज से रहूजा चौधरी साहब तो भाई, वो उनकी नीति किसानों के प्रति है, देखो उसमें कितने मुद्दे हैं, ऐसी तो कुछ बात नहीं, अगवाई चौधरी साहब की लड़ाई है सिर्फ एक किसान वाले मुद्दे पे, और चीज़ में तो मैं बढ़िया बतावें, हाँ किसानों के उसमें सरकार थोड़ा सा कुछ मामला गड़बड़ में कर रही है, कुछ गड़बड़ कर रही है, हाँ जो हमारी मांग है वे पूरी नहीं कर रही, MSP का कानून नहीं हुआ, ये तो चाह, तो लोग नाराज नहीं हुए किसान इस बात से भाई, 13 महीने आंदोलन हुआ ये सब हुआ भाई, नाराज तो दिखे RLD थी इसमें पक्षधर भाई, इन्होंने अपने मन ले ली, क्या नाराजगी, समीकरण बिगड़ गए, समीकरण बिगड़ गया भाई, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी सिसोली का माहौल क्या लग रहा, क्या सिसोली का माहौल तो बीजेपी का है, संजीव बालियान का है। क्या नाम भाई अपना? आप? मेरा नाम है जी सुशील कुमार। सुशील भाई यहीं के रहने वाले? हाँ जी, कश्यप समाज से रहने वाले हम। अच्छा क्या लग रहा, चुनाव की बात कर रहे थे, किसको देख रहे? चुनाव की बात यह है जी, हम है जी मोदी सरकार के, ठीक है जी, पूरा कश्यप समाज मोदी सरकार का है। अच्छा दो चार काम बताओ मोदी सरकार, ठीक है जी, हम है जी मोदी सरकार के। अच्छा। हम जी मोदी को वोट देते आए और देंगे अब भी, देखो जी
तो दो चार काम बताओ मेरे सरकार। तीन बच्चे है जी, क्या काम बढ़िया, विकलांग लड़की है जी, मेरा अब लोग राशन कार्ड भी नहीं बना, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं हमें। आप तो कह रहे हैं मोदी सरकार के है और मोदी को वोट देंगे, जब तक हम जीवेंगे हमारे बच्चे भी सब कुछ मोदी को वोट देंगे जी। अच्छा, आप खुश है? हाँ जी, हम खुश है जी। ठीक है जी। बड़े भैया क्या कह रहे थे? योगी मोदी छोड़ रखे ये। अच्छा, इन योगी मोदी को भी तो देखो तुम। ये तो कह रहे बढ़िया सरकार है, बहुत बेकारी सरकार है इसका। ऐसा क्यों? ऐसा नु खेत तुम पैरे दे रहे और क्या? अच्छा, ये तो कह रहे हैं भाई गुंडागर्दी खत्म होगी, गुंडागर्दी तो बात हम भी कहे खत्म होगी, पर ये योगी मोदी है ये पैरे दुआरे खेतों में हमारे पे, तो खेती किसानों को नुकसान है, बाजार की वजह से इनके खेत खा रहे हैं, खेत सारे उजाड़ रखे और क्या। चाह तो उनका 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 कुछ हल नहीं निकल रहा सरकार, कोई हल नहीं निकल रहा, छोड़ कर क्या करेंगे हमें पैरे दुआ दिए रहते। ये तो कह रहे काउ सेंचुरी बनाओगे, ये करेंगे, कुछ नहीं हो रहा यहाँ सिसोली के अंदर, नू ही फिर रहे। चुनावी बात कर रहे थे हम, क्या लगे आपको? कुछ नहीं पता जी, भी वह तो मैट्रिक की दीवार है, किंग को चली जाओ। आप कह रहे किसानों के लिए हल्का रहा मामला सरकार का? हाँ जी, हल्का है जी, तो बदल सका है एक नजरिया आपका? देखो जी क्या होगा क्या नहीं। अजी मैट्रिक की दीवार नहीं है या देखो, हमें मजदूर आदमी, हम मसाला पकड़ा हुआ मिस्त्री को, तो जी हम मजबूत, उसमें सिमट ज्यादा डर लगे तो जब ही तो मजबूत होगी जी, हमारे तो डालने के दस तो साल लो, हो जाएगी। दस साल लो सीमेंट तो डाल दिया, और कितना डाल लोगे? तो अभी और पचास आने वाले पचास साल आप तक सीमेंट डाल लगे। आप कह रहे भाई मेरा राशन कार्ड भी नहीं बना, अजी मजे कह रहे मोदी सरकार बढ़िया है, अजी मजे बढ़िया होगी, मजे राशन कार्ड तो नहीं, तो ये होना चाहिए नहीं, मजदूरी कितनी पड़ी? पर मोदी सरकार जो है सबसे अच्छी है। अच्छा चलो कोई बात, बढ़िया बढ़िया, सबसे है भाई, अच्छी बता रहे भाई, चीज में अच्छी है ना, तो बता दे तुम मकान पी गए तो मैं क्या चाहनु बताओ, कौन गया मेरा पूरे कस्बे में ढूंढ अगर मैंने मकान लिया हो भाई, साल का मैं होगा मैं आज तक राशन कार्ड लेकर राशन नहीं लेकर आया। मुसलमान भाई सारे मकान ले ले सब कुछ, क्या सुविधा मिल लेता मैं बताओ, चल बता भाई, मेरी विकलांग की पेंशन नहीं आ रही बताए सरकार में, बेकार के बात कर रहा हूं, पिछले एक साल से मेरी पेंशन नहीं आई, तू कह रहा है मोदी सरकार इतनी बढ़िया है, पक्का है कि सरकार बढ़िया है, पेंशन रुक भी जा, सी बात नहीं, रुक का फिर आ जा। अबे 50 से मैं चक्कर काट लिया, बस मैं जाकर गिर भी जाता हूँ, ये नहीं दिखाई देता। पेंशन नहीं बनी आपकी आज तक? पेंशन बननी, पेंशन आई साल भर आई, फिर उसके बाद में पेंशन भी बंद होगी। अब एक कार की बात कर रहा हूँ, मोदी सरकार बढ़िया, कहाँ से बढ़िया है मोदी सरकार? सबसे अच्छी है, मुझे तो दिखाई नहीं थी, कहाँ अच्छी है दिखाइए, दिखाइए कहाँ है, हमें नहीं दिखी। आपके हिसाब से दिक्कत है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है, सारी दिक्कत है, हमें समाज को कोई दिक्कत नहीं है जी, पूरे कस्बे में। चलो कोई नहीं, पूरे कस्बे में यार कोई बात नहीं भाई, बेकार आप अपना राय, आप अपनी अपनी राय, हमने अपनी समझ है, चलो ठीक है भाई, आओ जी नमस्कार, बातचीत हो जाएगी थोड़ी सी, हाँ जी करो, हैं आ जाओ इंगू, आ जाओ थोड़ा सा, कहाँ यहाँ के रहने वाले? हाँ जी हाँ। अच्छा, क्या नाम? जयवीर सिंह है जी। अच्छा, जयवीर सिंह जी, हम चुनाव उनाव की बात कर रहे थे, ऐसे ही तो किसानों की राजधानी है सिसोली, क्या लग रहा, क्या माहौल है थोड़ा सा बताओ? तो जी बीजेपी का ही है सारे को, हाँ जी, इधर को जब थोड़ा सा बीजेपी को देंगे जी, वो काम अच्छे लगे उनके, हाँ जी अच्छे, गुंडागर्दी खत्म होगी, हाँ जी, कहीं घूमो ट्वेल फ्री होगी, बिजली फ्री होगी, हाँ जी। तो लेकिन विपक्ष कई सारे आरोप लगा हुआ है कि भाई बड़ी किसानों के लिए बढ़िया नहीं, आपके यहाँ जो किसान नेता है वे भी क्या भाई किसानों के लिए बढ़िया नहीं? नहीं नहीं जी, बिजली फ्री होगी सब जाने जी, और खेत में रात को चले जाओ दिन में डरी नहीं, दिक्कत नहीं है, नहीं जी कुछ नहीं, सरकार यही आनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को चाह बनना। ठीक ठीक, धन्यवाद। अच्छा जी, धन्यवाद, नमस्कार जी, यही के हो रहने वाले यही जी, और अंदर यहाँ दुकान लगा करो, यहाँ दुकान लगा करूँ। अच्छा, हम चुनाव की बात कर रहे थे, हाँ ऐसे ही तो ये सिसोली है किसानों की राजधानी कहा जा जी, क्या माहौल आपको यहाँ लग रहा है? ठीक है, सेब बेच रहे, संतरे बेच रहे, क्यों जी, और केले बेच रहे, और अमरूद बेच रहे, दिक्कत ना लो बिल्कुल भी। तो दो बढ़िया नेता चुनाव लड़ रहे हैं, हरेंद्र मलिक सपा से और इधर संजीव बालियान भाजपा से, किसको जिता रहे इस बार है जी, है किसका लग रहा है मामला सबने? वो सलाह करके बताऊंगा जी किसका लग रहा है, अभी मूड नहीं बना, अभी मूड नहीं बनना। अच्छा, वैसे कैसे लगे सरकार के काम? पाँच साल के काम अच्छे चल रहे, अच्छे बहुत अच्छे चल रहे, दिक्कत नहीं कुछ? ना दिक्कत कुछ नहीं, तो महंगाई महंगाई का फर्क नहीं पड़ा कह रहे? महंगाई का फर्क पड़ रहा है, वो मतलब गरीब के साथ भी है, अमीर के साथ भी है, सभी के साथ है वो।
तो आसपास ऐसी कुछ चीज़ें अस्पताल नए बने हो, स्कूल यूनिवर्सिटी बनी हो, इस तरह की चीज़ हुई हो। स्कूल बते रहे हैं यहाँ से? अच्छा, ये तो पहले के है, नहीं पहले के नहीं, सरकार में नहीं बने, नहीं इस सरकार में वो बनना बहुत बढ़िया। अच्छा, अस्पताल 60 किलोम का बना। अच्छा, यहाँ इधर? हाँ जी। क्या नाम भाई, यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के ही हूं भाई, काम कर लूं। अच्छा गौरव भाई, हम चुनाव की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, लोकसभा 2024 की। हाँ, तो बड़े दो दिग्गज नेता है, हरिंदर मलिक, संजीव बालियान। क्या लग रहा, क्या माहौल बन रहा, सिसोली गाँव कैसे देख रहा भाई? ऐसा है, देखने वाले तो बात तो पलट ली, मेरे वाला तो जा लिया था डबी ही करने वाली बात है। नहीं, हमारी तरफ तो कोई नहीं। नहीं नहीं भाई, भाई भाई ऐसा है, मीडिया वाले क्यों करते हैं, हमको क्यों क्यों जाला है, बात तो यहाँ है। वो तो बड़ी मीडिया उधर बैठी। अरे ऐसा है भाई, जो जिसे दिखा रहा है वो उसकी रवैया ही हो जा। हाँ बात यहाँ है, और भाई देख, करने वाली तो कोई बात है नहीं भाई, मोदी की रैली चली चाहे डब कोई, अरे वही सिसोली में रहा है, चाहे कहीं को वही रहेगा मामला। तो सिसोली का क्या मन है, सिसोली का जो चल जाएंगे वो सब होगा, सब जी डबू भगक रहे आपस में। तो कह रहे जो चौधरी साहब कहेंगे वो होगा। ऐसा है, कहने वाली बात तो यह है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा भाई, पर बस जिंगे वो लहर रोक रहा है, चाहे जो जिनने जो जीत जाएगा कहना मना तो उसकी वोट दी, तो वही काम हो रहा है, वही चीज़ है भाई। लेकिन किसान के मुद्दे पर हमेशा सवाल खड़े कर रहे चौधरी साहब भी, नाराज से लगे तो फिर भी लोग कह रहे कि सरकार ठीक है। देख ऐसा है, अगर मैंने जो लाइन खींच ली, मैं उसकी साइड से चलूंगा, चाहे मेरा लॉस भी हो उस चीज़। मैंने एक बात यह है, चाहे मैं किसान हूँ, लेकिन मुझे अगर मैंने जो लाइन खींच ली, चाहे मैं जिस पार्टी के तरफ हूँ, वो चाहे गलत भी करूँ, मैं सही बताऊँगा। लेकिन जो भी रहा, देखो किसानों से लगातार विपक्ष में तो रही है भाई, भाजपा के जितने भी हो यार, एक ये बात तो है भाई, किसानों का तो हमेशा लॉस मेकिंग तो रही है अच्छी चीज़ ना, और किसान तो हमेशा बीजेपी तो नाराज तो रही है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। तो किसान फिर क्या देखेगा भाई, इस ढाव से देखा जाए, पर किसान रहा कौन रहा है, वही बात होली जिसका भाई किसान जाकर शायद तो बैठ जा रखे भाई, किसान यहाँ कर कौन रखे थे आज के टाइम में, किसान तो गांव में काम खाली हो लिए भाई, तुम लगा लो सिसोली में लगा लो, 70% जाकर तक बैठ रहे आज के टाइम में। तो यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई, बिल्कुल नहीं है रोजगार की व्यवस्था, अगर रोजगार होते कौन जाता जक्का तो छोड़ के भाई, जो भी आज के टाइम में जिसके जक्का है, किसान पढ़ा पढ़ा रहा वो बैरी भेज रहा हूँ बता दूँ, और जो होता तो यहीं ना पढ़ते भाई, अपने एक बात बता, किसान होगा जिसका जक्का होगा भाई, अपने खेती में नहीं लगा होगा वो, अगर मुझे कोई बिजनेस होगा, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे उसमें प्रॉफिट है तो मैं वही काम करूँगा, मैं अगर मुझे नुकसान है तो अभी तो मैं दूसरी जगह जमा, तो खेती नहीं करना चाहते किसान? किसान का जक्का आज के टाइम में कोई सा भी हो, चाहे मेरे 100 बीघे हैं, चाहे 100,000 बीघे, मैं खेती नहीं करना चाहता, मैं जमा मेरे पे भी एक एसी की कुर्सी हो, चाहे घूमने वाली हो उसका, ये चाहे वो तो किसान कर रहा भाई, किसान तो अपना कर, अपने बच्चों को नुचाएगा, कोई बढ़िया बिजनेस मैन में जाओ या कोई बच्ची काम में करो, खेती नहीं जानेगा वो तभी करने के बाद। अच्छा आप नौजवान है, नौजवानों के लिए क्या लगे, सरकार के कुछ नीतियाँ कैसी रही, नौकरियाँ रोजगार इस तरह की, या अस्पताल स्कूल यूनिवर्सिटी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई? भाई देखो ऐसा है, रोजगार के मामले में सरकार बिल्कुल जीरो रही भाई, जितने भी अगर तुम पिछले 5 साल तक देख लो, भर्ती के मामले में जितनी भी अभी यूपी में निकली, फिलहाल जो भर्ती भी निकली सारी की सारी में पेपर लीक, कहीं ये लीक, देखो रोजगार के मामले में बिल्कुल सरकार जीरो रही। हाँ कुछ इंफ्रा जरूर इंप्रूव हुआ, सड़क वगैरह कुछ इंफ्रा जरूर इंप्रूव हुआ, और बाकी तो मैं पता ही है सरकार जो हिंदू मुस्लिम में चल रही है भाई, अग्निपथ लाए बिल्कुल बेकार है, अग्निपथ का रिकॉर्ड दिखाकर देख लो, जितने भी 70% जो भी बंदे जा रहे हैं वे ट्रेनिंग करके वह वापस आ रहे हैं, वापस नहीं जा जा जा, जा रहे, पुलिस भर्तियां जो रद्द हो रही है, ये हो रहा है, ये भी देख लो लगातार कमी नजर आ रहा है सरकार की प्रशासन, सरकार की ढील ना होती बस, सरकार की जो ढील लग रही है, अगर ये बता दो अगर सरकार की ढील ना होती तो ये बताओ कैसे हो जाता, पेपर लीक हो रहा सब चीज़ हो रहा है, ऊपर नेट भी सरकार कहने पेपर लीक नहीं है, फिर 4 दिन बाद कैसे कैंसिल करवा करते पेपर, फीस ले ली बच्चों से, अब कह रहे चुनाव के बाद करेंगे, वो तो एक चुनावी मुद्दा है, कल जब चुनाव आया 3 दिन पहले कल पेपर होगा बाद में लिख कर आते, बाद में देखेंगे, जब 2026 का चुनाव होगा कल फिर कर लेंगे, इसी से भर्ती लेगा, कल यू करवाया हमने, क्या कह रहे भाई, आपको क्या लग रहा है? सरकार तो बढ़िया लेकिन कैंडिडेट बढ़िया लगे बिल्कुल भी, कैंडिडेट बढ़िया नहीं है बिल्कुल भी। कौन सा कैंडिडेट? संजीव बालियान भाजपा से, कहता उस पहले तो कहता रेल लाइन कटवा दूंगा, रेल लाइन नहीं कटवाई हमको, कहता नहीं कहता भाई, यहाँ धर्मशाला में बैठ के। अच्छा। फिर अग्निपरिया कहता भाई का फे करवा दो, तहसील बनवा दूंगा सिसोली को, कहाँ बन गई तहसील बता, कहाँ बन रही इधर सोच रहे फिर भाई, जो कैंडिडेट बढ़िया जो काम करेगा सब वोट दी जाएगी, नरेंद्र मलिक भी है सामने, नरेंद्र मलिक बढ़िया कैंडिडेट है वो भी, है नहीं बात भाई, सरकार बीजेपी की बढ़िया पर कैंडिडेट तो बढ़िया लगे हमें क्यों भाई, लेकिन सिसोली तो किसानों की राजधानी, अलग से ही सवाल उठ, किसानों की भी बात होनी चाहिए भाई, किसानों की बात होनी चाहिए, लोग कह रहे बढ़िया किसानों के लिए, बिजली महंगी है कुछ कह रहे किसानों के लिए बढ़िया सरकार रही, नहीं सरकार तो भाई क्या कह सके इस बारे में भाई, है नहीं बात, जो बढ़िया रहती है किसानों की जाती है वहाँ से क्यों भाई, जो सरकार बढ़िया रहती है किसानों की,
ऐसा है देखो ऐसा है, जो भी हमने जो लाइन खींच ली ना एक बार, चाहे हम दूसरी पार्टी में वो गलत भी करोगे, हमें वही सही लगेगा। और स्पेशली बीजेपी की तो ये हमेशा रह रही है हमेशा ना कि ना तो हिंदू मुस्लिम करना, अगर नहीं करेंगे तो उनकी बात कौन सुनेगा। नीति अच्छी नहीं होगी भाई। देख एक बात है, अगर चाहे जो कोई भी नीति लेकर आए, अगर हम किसी चीज़ में धर्म घुसा रहे तो वह बात गलत है। भाई एक अगर हम किसी को अनाज दे रहे उसमें भाई सबके लिए है, भाई गरीब है वो हिंदू भी गरीब हो सके, मुसलमान भी गरीब हो सके, अमीर हिंदू भी हो सके, मुसलमान भी हो सके। भाई कोई किसी चीज़ को जोर जोर रहता है, जितनी हिंदू जोर रहता है मुसलमान को जोर रहता है उतनी, उसमें हिंदू मुस्लिम तो करने की जरूरत नहीं है ना। यह बात गलत है, सबसे बड़ी बात। राशन की बात आप कर रहे थे, राशन तो बहुत गलत है बिल्कुल ही। राशन कितना चीज़ गलत की तो कर दी नहीं, एक मजदूर आदमी वो मजदूरी करता, चोखा खावा पिया पिया था, अब जितना आवेश किया उसे बेच कर दारू पी ले तो सर वहाँ वहाँ जाए ठेके पे कहना से पहले दारू पीनी इसकी मुझे। लेकिन एक तरफ राशन की मांग होनी चाहिए, फिर बिल्कुल गलत नौकरी तो, नौकरी रोजगार की बात हो रही है। रुपए वाली चीज़ कतई नीचे जाती है, आदमी को रुपए कितने भी दे दो, जान नहीं जब तक अपना आपका खाने जब तक बात नहीं बढ़ने की, रोजगार चाहिए सबसे जरूरी बात यह है। किसान 13 महीने आंदोलन पर बैठे और अब तक लड़ाई लड़ रहे थे किसानों की, तो इधर जैन साहब चले गए भाजपा में, कुछ फर्क पड़ेगा भाई? देखो ऐसा है, नुकनू कह रहा है कल ना बड़ा बड़ा बैठा हो, कौन पूछ रहा है, जब पार्टी में जाएंगे जब तो कुछ करेंगे तो सत्ता आत्मा होगी जब तो कुछ करेगा। अब भाई उन्हें कुछ सोच के गए होंगे, बड़े लोग हैं, हमें कुछ सोच के गए होंगे, उधर कुछ गए होंगे तो ना कुछ करेंगे, अब सोचेंगे हमारे बारे में। जब तक हम 13 महीने नहीं हो पाया, अब हो सके आगे जाकर कुछ हो सके, वहाँ से जाकर अगर ना हुआ आगे फिर कुछ भाई वो फिर नहीं होगा, फिर कुछ आगे देखे जाके, फिर अभी 2026 में फिर चुनाव है, फिर देखा जाएगा। नु कहे तो आती रहे, अब नहीं आओगी फिर आओगी भाई। चलो भाई यहाँ के हो, क्या नाम दोस्त? भाई क्या नाम भाई? सुशील। सुशील भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मजदूरी। मजदूरी कर रहे? चलो मजदूरों की बात हो जावे थोड़ी सी। चुनाव आ रहे, क्या लग रहा 10 साल कैसे लगे सरकार के, मजदूरों के हक में कैसे? बजे 10 साल मजदूरों के हक में, एक तो अनाज आयो ये होंगे तो चलो आ ही रहे, पर वैसे कोई वन नहीं है, मतलब किसी की मतलब न हो, गरीबों की मदद में उसमें अब देखो जैसा सबको किसानों को मिले 2000 रुपये सभी को, पर गरीबों का कुछ होया नहीं। तो हम तो सोचे भी का सर का कोई मतलब माँ यहाँ के तो मन में कोई बदल गया होगी, वो का वो का पता नहीं। तो दो कैंडिडेट है, संजीव बालियान जी है, हरेंद्र मलिक जी है, तो क्या लग रहा दोनों में से फाइट रहेगी कैसे? हरेंद्र मलिक का लग रहा कुछ चांस सिसोली से कुछ बनेगा। अच्छा एक चीज़ और बताओ आप, जैसे बात हो रही आपने मजदूरों की बात की, तो बहुत सारी कह रहे योजना चला रखी है मजदूरों के लिए, वो चला रखे घर बन गए, वो घर तो बनेगा पर वैसे नहीं कोई मतलब जो हमेशा ही लगे है नौकरी पोकरी मतलब कुछ नहीं। वो रोजगार आप कह रहे हैं थोड़ी दिक्कत है, तो पहले जैसे नौकरियां निकल रही थी, भर्तियां निकल रही थी, उस तरह की चीज़ें नहीं हुई 10 सालों में? हुई तो भाई यही हुई थी, अभी चाहिए अभी ज़्यादा दो गया हुई थी यही, और तो कोई हुई नहीं। वैसी मायावती के राज में हुई थी पहले, सभी हिंदू गरीब जितने भी थे सभी गए नौकरी पे फटाफट, वो बढ़िया था मायावती का भी डिप्लोमी का ऐसा भी, तो इनके उसमें नहीं लगा कुछ, तो उनके उसमें सही नहीं लगा, बस अनु है कि ऊँच चावड़े दे जाए सरकार, लेकिन रोजगार दे दे अच्छा उससे भी बात बन सके। हाँ जो मतलब काम गरीबों को भी मदद करे, इवलो गरीब कोई भी आए नहीं, वो सब मतलब गैस सिलेंडर फ्री मिले, वो भी मिले, गैस महंगा भी तो हुआ, महंगा हुआ था तो सब लोग भरवा पाए, मजदूर एक मजदूर आदमी भरवा पाया तो भरवाना तो पड़ता ही, क्या करे वो कहाँ तक खाते कहाँ तक। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने एक ही बार भरा गया और फिर भरवा नहीं पाए, इतना महंगा होगा, महंगाई होगी। हाँ महंगा तो हो गई थी, पर मौसम को देख के छत पर तो रोटी पकती नहीं, वो तो करना पड़ेगा, तो महंगाई का कुछ असर पड़ा रसोई पे मजदूरों पे इन सब? आज महंगाई का असर पड़ेगा, हर चीज महंगी होगी, ये चावल दाल ये मिले बस हमने, वो सब सामान साग सब्जी तेल वेल सब महंगा हो गई, वो नहीं है कोई मतलब गरीबों के लिए कुछ वो नहीं है। तो न्यूनतम मजदूरी में कुछ बढ़ोतरी हुई हो पिछले 5 सालों में 10 सालों वही चले जो थे, तो बदलाव चाह रहे हैं आप इस बार? हम किसानों की राजधानी ग्राम सिसोली में थे, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पड़ती है ये, हम लोगों ने जो 2024 के चुनाव को लेकर यहाँ पर बातचीत की, लोगों की अलग अलग राय है सिसोली से, जुड़े रहे सीसे से, आप चुनावी खबरें आप तक आती रहेगी, धन्यवाद। ठीक है।